गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज मैं हूँ पटाया में, तो आज मैं जाने वाला हूँ एक स्काई वॉक के लिए जिसका नाम है खाओ तबैक। खाओ तबैक यानी ये एक टेंपल का एरिया है और उसी के पास ये स्काई वॉक तैयार किया गया है। ये नया नया बनाया गया है, नया नया यानी अभी कुछ साल ही हुए हैं इसको बना के। तो वहाँ पर मैं जाने वाला हूँ, पर मैं ट्राई करूँगा कि आपके लिए बढ़िया से ड्रोन के शॉट्स में लेके आऊँ। तो फिर आप चलिए मेरे साथ स्काई वॉक के लिए, चलिए। खाओ तबाक टेम्पल अब नज़दीक आ गया है। मैं पहली बार यहाँ पर आ रहा हूँ इस स्काई वॉक पर, और ये स्काई वॉक खाओ तबाक टेम्पल के पास है और मुझे ये एरिया बिल्कुल पता नहीं है, तो ढूंढना पड़ेगा। टुडे नो वन, आज यहाँ पर कोई नहीं है। मैं कल आया था तो सारे पार्किंग फुल थे और आज यहाँ पर हार्डली कुछ लोग है, आधे भी लोग नहीं है कल से। ये थाई लैंग्वेज में हमारी गूगल मैप वाली बोल रही है। कल के मुकाबले यहाँ पर आधी भी भीड़ नहीं है, फिर भी है कुछ लोग, लेकिन अभी दुकान भी सारे के सारे खुले नहीं है रोड साइड के। अब मैं वात खाओ तबाक टेम्पल में पहुँच गया हूँ। इस मंदिर को मेरे ख्याल से बहुत महत्व है थाई लोगों के हिसाब से, क्योंकि कल मैं जब यहाँ पर आया था तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी। आज तो 1/4 भीड़ लग रही है यहाँ पर। एक्चुअली कल मैं यहाँ पर आके गया था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि मुझे समझ में आ गया कि मैं यहाँ पे ठीक से ये वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगा और स्काई वॉक पर ठीक से मज़ा नहीं ले पाऊँगा। तो कल मैं अंदर गया ही नहीं, मैं वापस चला गया था। लेकिन आज मैं वापस यहाँ पर आया हूँ स्पेशली वीडियोस बनाने के लिए और पॉसिबिलिटी ऑफ ड्रोन शॉट्स। तो यहाँ पर कल जो मैंने देखा है, ये मंदिर थाई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपको दिखाता हूँ ये मंदिर क्या है, कैसा है अंदर से, और फिर वहाँ से ही अंदर से ही जाना है स्काई वॉक के लिए। चलिए फिर मेरे साथ स्काई वॉक का मज़ा लेते हैं। कल यहाँ पर हज़ारों लोग थे, पता नहीं कल कुछ फेस्टिवल था या क्या था, लेकिन संडे तो था इसलिए कल शायद संडे की वजह से यहाँ पर बहुत लोग होंगे। अब पहले तो जाके इस मंदिर का दर्शन लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं और फिर चलते हैं स्काई वॉक पर। यहाँ के मंदिर बहुत सुंदर होते हैं। बौद्ध धर्म को मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ और ये रिस्पेक्ट मैंने सीखी है थाई लोगों से कि अपने धर्म को कैसे मानना है और उस पर कैसे, उसकी जो सीख है उस पर कैसे चलना है, दिल से वो लोग मानते हैं और उनका बिहेवियर भी उसी तरीके से होता है। धर्म के नाम पर गलत चीज़ें नहीं करते। बहुत सुंदर मंदिर होते हैं इनके। ये कुछ आराम करने के लिए कुछ प्लेसेस यहाँ पर किए गए हैं। ये जो रिबिन्स आप देख रहे हो हर जगह पे बांधी हुई है लोगों ने, कहा जाता है कि अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए ये रिबिन्स यहाँ पर बांधनी होती है। तो यहाँ पर एक स्टॉल भी है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पर लोग ये रिबिन्स खरीद सकते हैं। बहुत सुंदर होते हैं ये मंदिर और बहुत ज़्यादा स्वच्छ होते हैं।
क्लीनलीनेस यहाँ पे बहुत मेंटेन किया जाता है। ये जो एंट्रेंस है यहाँ पर पहले मुझे सैनिटाइजर से हाथ धोने पड़ेंगे। ओके, पहले मैंने हाथ साफ कर लिए, अब मैं जाऊँगा अंदर। यहाँ पर वो रिबिन्स खरीद सकते हैं आप, 30 बात में एक रिबिन, और 6 रिबिन्स अगर लिए तो 180 बात में। हर एक रिबिन का कलर का मतलब बताया गया है। यहाँ पर पेंस रखे गए हैं रिबिन्स पर कुछ चीज़ें लिखने के लिए। एक चीज़ यहाँ पर गौर करें, पेन चोरी नहीं हुए, बहुत इम्पोर्टेंट। वो जो सामने छोटा सा ब्रिज है उसके ऊपर पहले जाएंगे। ओ वाओ, बहुत सुंदर दिख रहा है ये। अब ये असली फूल है गुलाबी, जहाँ पर जिस पेड़ पर ये रिबन बांधे गए हैं नकली फूल है। अरे ये तो असली फूल है। ये इस तरीके से रिबिन्स बांधे जाते हैं और फिर मैंने तो रिबिन नहीं खरीदे, लेकिन अब मैं जाऊंगा सामने। ये ब्रिज ख़त्म होने के बाद कुछ सीढ़ियाँ है, वो सीढ़ियाँ चढ़ के मैं जाने वाला हूँ। चलिए फिर। और ये जो है यहाँ पर लिखे गए हैं वो सारे डोनर्स जिन्होंने डोनेशन दिया हुआ है इस ब्रिज के दोनों साइड, उनके नाम और कितना डोनेशन दिया है वो सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जाऊँगा वहाँ पर ऊपर, और ऊपर जाने के लिए सामने से सीढ़ियाँ है। कल मैं जब यहाँ पर आया था तब यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लगभग 400-500 लोग इस एक ब्रिज पर थे, चलने को जगह नहीं थी, और ऊपर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ऊपर वेटिंग था क्योंकि सबको भेज नहीं सकते थे। तो फिर मैं यहीं से वापस लौट गया। मैं बोला यार ऐसे इतने भीड़ में शूटिंग करने से मतलब नहीं बनता, अगर शूटिंग करना है तो ये ब्रिज ठीक से दिखना तो मांगता ना, तो मैं आज वापस आ गया आप लोगों के लिए यहाँ पर। ये छोटा ब्रिज अब यहाँ पर ख़त्म हो गया, यहाँ से अब मुझे ऊपर जाना है, लेकिन ऊपर जाने से पहले मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड पर जाऊँगा, देखते हैं क्या है लेफ्ट साइड में। वाह, बहुत शांति है ना यहाँ पर। हर जगह पर रिबिन्स है, रिबिन्स है, जहाँ जगह मिली वहाँ पे लगा दिए रिबिन। शायद इसके पीछे ऐसा लगता होगा कि अगर स्पेशल जगह पर रिबिन लगा दी तो रिक्वेस्ट या जो भी उम्मीदें हैं वो जल्दी पूरी हो जाएगी। मैं अकेला हूँ अब यहाँ पर एज यूजुअल। अब यहाँ से मैं निकलता हूँ ऊपर जाने के लिए। इन सीढ़ियों से ऊपर
सीढ़ियों का अगर साइज़ देखें तो एक बात तो श्योर है कि इतना आसान नहीं है ऊपर जाना, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ है। तो अगर किसी को घुटने की तकलीफ़ है, किसी को सांस लेने की तकलीफ़ है, या किसी को चलने की तकलीफ़ है, यहाँ पे ऊपर न जाए, नीचे वाले ब्रिज पे ही रुक जाए। काफ़ी थका देने वाली सीढ़ियाँ है। अब तक तो मैं 200 सीढ़ियाँ ऑलरेडी चढ़ के आया हूँ, पता नहीं और ऊपर कितना है, लेकिन ये सीढ़ियाँ डिफ़िकल्ट है, इजी नहीं है, बहुत ऊंची ऊंची है। आप देख सकते हैं ये हाइट, देखिए एक सीढ़ी की 300 सीढ़ियाँ। अब मेरे ख्याल से ख़त्म हो गई सीढ़ियाँ, थोड़ा सा ही है अब ऐसा लग रहा है, पता नहीं है। ऊपर तो पहुंच गया हूं, 390 सीढ़ियां। हो सकता है और भी होंगी, पूरा पसीना निकाल दिया, पता नहीं कहां से जाना है। ओ, अब यहां से वापस नीचे उतरना है, अच्छा है, देखना पड़ेगा। ये 390 सीढ़ियाँ तो मैं चढ़ के आया हूँ, अब स्काईवॉक के लिए जाने के लिए मुझे उतरनी पड़ेगी इतनी सीढ़ियाँ। मेरे ख्याल से 100-150 तो आराम से, यानी वापस आने के बाद वापस इतना ऊपर आना है। भगवान मदद करना मेरी, मैं किससे कह रहा हूँ, ऊपर भगवान का मंदिर है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मेरी मदद करें। बहुत है यार, अच्छा मज़ा के नीचे से नहीं निकाल सकते थे स्टेयरकेस, खैर फिर भी ठीक है, जाना तो पड़ेगा। यहाँ से ये रोप यहाँ पे नीचे जाती हुई दिख रही है, शायद ये कुछ रोपवे जैसा कुछ होगा, लेकिन लगता नहीं कि इंसान के लिए होगा, शायद हो सकता है ये कोई सामान वगैरह नीचे लेके जाने के लिए होगा। सीढ़ियाँ तो उतर रहा हूँ, लेकिन क्या है, अभी अभी जस्ट 390 सीढ़ियाँ चढ़ के आया हूँ, तो मेरे जो पैर है वो लटपटा रहे, अब उतरते टाइम मुझे ये समझ में आ रहा है। ये जो आवाज़ आ रही है ऐसा लग रहा है कि ये मुझ पे हंस रहा है, हाँ पता नहीं किधर है। सच में ऐसा लग रहा है, हंस रहा है। यार ये अच्छा मज़ा के सामने से वापस नीचे जाना पड़ेगा स्काईवॉक के लिए, क्या चल रहा है भाई। ये बहुत बड़े मंक है यहाँ के, अब जाना है यहाँ से नीचे। ये जो मंदिर है ये पटाया से अराउंड 40-45 मिनट की दूरी पर है, 42 किलोमीटर दूर पटाया से। मंदिर के पास ही स्काईवॉक बनाया है ताकि दोनों चीज़ें हासिल हो जाए लोगों की, मंदिर में दर्शन भी भगवान का और स्काईवॉक भी। यहाँ पर 40 बात का टिकट लेना पड़ेगा। चालीस बात का मैंने टिकट ले लिया है और ये 266 नंबर का एक मुझे बैच दिया गया है, पता नहीं इसका क्या है, पूछता हूँ उनसे। व्हाट दिस? ओके, मुझे यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर।
ओके ओके। उन्होंने कहा कि ये नंबर मुझे वहाँ पर दिखाना पड़ेगा, शायद वेटिंग का कुछ है यहाँ पर, देखते हैं। ओके, ये विजिटर नंबर है और ये वहाँ पे मुझे देना पड़ेगा ताकि पता चले कितने लोग आए थे और एक मॉनिटरिंग किया जाए यहाँ पर। ओ, काफ़ी लोग है और सिक्योरिटी भी है, तो ड्रोन में कर पाऊँगा कि नहीं थोड़ा सा डाउट है मुझे, देखते हैं, लेट्स सी। अब जा रहा हूँ मैं स्काईवॉक पर। कुछ प्रिकॉशनरी थिंग्स, क्लाइंबिंग नहीं करना है, हार्ड शार्प ऑब्जेक्ट्स नहीं लाने हैं यहाँ पर, और अपने अपने वैल्यूएबल्स संभालने हैं। और ये है एंट्रेंस स्काईवॉक का। ओ, यहाँ पे शूज़ निकालने पड़ेंगे और दूसरे शूज़ पहनने पड़ेंगे यहाँ पर ताकि ग्लासेस पर स्क्रैचेस ना आए। आई होप ये जूते मुझे आ जाए, इन्हीं जूतों के ऊपर इन्हें पहनना है, तो पता नहीं अब आते हैं नहीं आते हैं, पता नहीं, लेट्स ट्राई। यस, मुझे ये जूते आ गए, ये देखिए, ये अब पहन लिया है। अब चलते हैं आगे स्काईवॉक की तरफ। थोड़ा सा इस स्काई वॉक के ऊपर से चलना टेंशन की तो बात जरूर है, बहुत टेंशन आता है भाई। इसके ऊपर खड़े रहना ये कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। तो कैसा लगा ये स्काईवॉक? बहुत बढ़िया था ना।
एक्चुअली मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और सच में बहुत अच्छा लगा। इतनी सारी 390 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद और लगभग 100-125 सीढ़ियाँ वापस नीचे उतरने के बाद अगर इतना अच्छा नज़ारा, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिले तो क्यों ना आए। यहाँ का टिकट है सिर्फ 40 बात और फॉरेनर और थाई लोगों के लिए सेम टिकट है। यहाँ की बहुत खूबसूरत मेमोरीज मैं वापस अपने साथ लेके जा रहा हूँ मेरे अगले डेस्टिनेशन पर। अब यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ। ये वीडियो मैं आज यहीं पर ख़त्म करने वाला हूँ। अगर अब तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी इमीजिएटली आप सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो अब लाइक और शेयर करना शुरू कर दीजिए। बाय बाय।